सीजीआई रंजन गोगोई ने आज राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। क्यों गोगोई साहब के सांसद बनने से और शपथ ग्रहण करने पर इतने सवाल हैं? और क्या वाकई इससे जनता का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाएगा? क्या ऐसे सीजीआई के राज्यसभा सांसद बनने से निष्पक्षता और स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी न्यायपालिका की, या फिर इसे नई तरह से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है? इन सारे सवालों के उत्तर जानने की आज कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्रल डिबेट। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। तो आपको बता दें कि पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के राज्यसभा में शपथ ग्रहण करते ही विपक्षों ने वॉकआउट किया, और उस विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट नहीं किया, लेकिन हाँ, तंज जरूर कसे। एक एक करके अगर आपको हम बताने बैठेंगे तो बहुत हो जाएंगे, क्योंकि सबने बहुत तंज कसे हैं। यहां तक कि नॉमिनेशन की जब बात आई थी राष्ट्रपति के द्वारा, तब भी लगातार ट्वीट, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो असुद्दीन ओवैसी हो, बड़े बड़े, चाहे वो यशवंत सिन्हा, खुद बीजेपी के मंत्री रह चुके, उन्होंने खुद कहा इस बात को, चाहे वो केटीएस टीएस तुलसीदास तुलसी जी हो, बड़े बड़े वकील, और यहां तक कि जस्टिस लोग ने भी ये बात कही कि पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा रहे हैं, ये न्यायपालिका क्यों कहीं ना कहीं स्तंभ को उसकी कमजोर करता हुआ नजर आता है। ये सवाल आज यहां इसलिए भी है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों की समझ को, इन तीनों के कार्यों को और इन तीन स्तंभों को संविधान के उन लोगों ने जरूर समझा, और तब जाके ये तीन स्तंभ बनाए गए, और चौथा जो कि मीडिया है, जिसे अभी संवैधानिक रूप से तो नहीं माना गया, लेकिन हाँ, चौथा मान सकते हैं कि जो निगरानी करता हुआ इन सब पर नजर आया है। लेकिन जब ये तीन स्तंभ आपस में तालमेल ना खाएं और अपने आप को सर्वोपरि करें, तो ये निरपेक्ष सत्ता ही मान सकते हैं कि जो अपने आगे नहीं सुनते हैं। बहुत ज्यादा अगर पीछे ना जाए, थोड़ा सा पीछे जाए, तो अगर हम बात कर लें कोलिजियम की, जो कि 2014 और 15 में, जहां पर मोदी सरकार ने यह बहुत बताने की कोशिश की थी, और उन्होंने कहा भी था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो इस तरह होनी चाहिए कि वो उसमें लोगों को पता हो, और तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आया था कि ये स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता में खलल पैदा करेगा। वही पूर्व गोगोई साहब सीजीआई वही जब थे, तो 2019 में उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, यानी कि लोकतंत्र खतरे में है। उस समय ऐसा क्या हो गया था कि जो पूर्व सीजीआई ये बात कह रहे थे, जिन्हें सत्ता में जो सरकार है उनके काम थोड़े बहुत इस तरह दिखे थे कि जहां पर वो मजबूर हो गए थे, या फिर खुद उनकी मन स्थिति ये थी कि जहां पर वो बोले कि लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उसी सत्ता के साथ वो सटने के लिए मजबूर हैं, या फिर वो चाहते हैं? क्या वही आज सरकार सारे काम सही तरीके से कर रही है? ये बहुत सारे सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। और रही कि जब रंगनाथ मिश्रा थे तो यही विपक्ष लगातार हमलावर था, यह कहा जा रहा है कि 6 साल का कूलिंग पीरियड था, टाइम था। उस समय यह बताया जा रहा है कि 1984 में 3000 लोग मरे, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया, इसलिए विपक्ष हमलावर था। तो बहुत सारे सवाल हैं शपथ पर, नॉमिनेशन से लेकर शपथ पर बहुत सारे सवाल हैं, और जो संसद से वॉकआउट किया गया, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे। जनता का ये सवाल क्या है, विपक्ष क्यों सवाल खड़ा कर रहा है, और वाकई क्या स्वतंत्रता
निष्पक्षता न्यायपालिका की खत्म हो जा रही है या फिर उसे नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई राज्यसभा के लिए सीजीआई को नियुक्त करता है या वो आमंत्रण स्वीकार करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद गेस्ट गौतम राडेसागर प्रसपा हमारे साथ हैं, संजय सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, अतुल मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ हैं और सत्येंद्र मिश्रा एडवोकेट हमारे साथ हैं। चारों पैनलिस्टों का जोरदार स्वागत करते हुए, और क्योंकि विपक्ष हमारे पास है तो गौतम राडे जी आपसे ही शुरू करते हैं कि जब नॉमिनेशन ही आया था राष्ट्रपति के द्वारा, तब भी सवाल, तब भी ट्वीट लगातार, लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका से जनता का विश्वास उठ रहा है, और आज जब मनोनीत हो गए, शपथ ग्रहण करने गए तो सदन से वॉकआउट, इतने सवाल क्यों शपथ पर? देखिए श्रुति जी, सबसे पहले ये बात समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हैं वो टिटुलर हेड हैं, केवल नाम मात्र के मुखिया इस देश के हैं, एक्चुअल मुखिया नहीं है। जब तक जो हमारे जो गवर्नमेंट में जो कैबिनेट है, कैबिनेट कोई प्रपोजल नहीं प्रस्तुत करती तब तक राष्ट्रपति उसको नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब कैबिनेट का एक प्रपोजल गया था जिसे राष्ट्रपति जी ने स्वीकार किया है। अब इस पे जो प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति जी को भी, चूंकि टिटुलर हेड है इसलिए वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो भी प्रपोजल्स हैं वो रिजेक्ट नहीं कर सकते, आर्टिकल 18(3)(a) के तहत वो 12 लोगों को नामित कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो उसमें क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, वो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि उनकी दक्षता विज्ञान के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, या फिर सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में हो। और अगर गोगोई जी के संदर्भ में देखा जाए तो इन चारों पैमाने पे कहीं भी खड़े नहीं उतरते हैं। तो इसलिए जो वर्ड एक बड़ा पॉपुलर वर्ड था, क्विड प्रो को, ये कहीं ऐसा तो नहीं मुआवजा दिया गया है? किस बात का मुआवजा दिया गया है? घटना को तारतम्य से जोड़ते हैं। आलोक वर्मा जी को सीबीसी ने छुट्टी पे भेज दिया, सीबीआई के डायरेक्टर। हमारे देश में जब भी कोई प्रश्न इन्वेस्टिगेशन पे उठता है तो लोगों को इतने के बावजूद विश्वास ये होता है कि सीबीआई को अगर चला जाए तो हमें न्याय मिल जाएगा। जब इतनी अहम जांच एजेंसी का व्यक्ति छुट्टी पे भेजा गया है तो सुप्रीम कोर्ट को 10 दिसंबर 2018 को जब एसएलपी फाइल हुआ उसी दिन डिस्पोज ऑफ करना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। फिर 19 दिसंबर की डेट डाली, और 19 दिसंबर की डेट डालने के बाद ये कहा कि आपको एक जो है एफिडेविट काउंटर फाइल करना है। तो जब काउंटर फाइल अगर किया जाए तो काउंटर फाइल अगर लीक होता है तो उसमें पेटिशनर का कहीं से भी कोई हाथ नहीं होता है, या तो उनके किसी एडवोकेट ने किया है, या चूंकि हाई कोर्ट में गया है तो वहां कहीं से लीक हुआ है, पेटिशनर का कोई हाथ नहीं होता। इसके बाद वो रंजन गोगोई साहब ने ये कहा कि आप डिजर्व नहीं करते कि आपको जल्दी सुनवाई की जाए। फिर आपने 29 दिसंबर की डेट डाली, 29 दिसंबर को मीडिया को भी नहीं पता चला कि उस पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे ख्याल से लोगों ने ध्यान देना बंद किया। डेट आपने 10 जनवरी 2019 की डाली, और उसमें आपने निर्णय क्या लिखा कि सीबीसी को पावर ही नहीं है कि सीबीआई के डायरेक्टर को छुट्टी पे भेज दे। चलिए ये निर्णय बहुत बेहतर आपने दे दिया, लेकिन आगे आपने क्या लिखा, लेकिन सिलेक्शन कमेटी चाहे तो इनके भविष्य का एक हफ्ते में फैसला कर सकती है। जब ये सल्पी में प्रेयर ही नहीं है तो आप उस पर निर्णय क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि जो लिंगर ऑन हुआ एक महीने, उसके बीच कोई अंडर टेबल डील तो नहीं हुई।
ये शक होता है, हो सकता है ना हुई हो, लेकिन जैसे ही नामित किया गया राजनीति में, राज्यसभा में उनको नामित किया गया, और ये चारों गुणों पर उनकी दक्षता नहीं थी, न साहित्य के क्षेत्र में उनकी कोई दक्षता थी, न सामाजिक कार्य में दक्षता थी, न विज्ञान में दक्षता थी, तो जब नामित किया गया तो अब ये लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं उसी का मुआवजा दिया गया है, इसलिए प्रश्न उठने हैं। और निश्चित तौर पे इस तरह का प्रश्न और उठ रहा है, क्योंकि यही सीजीआई जब 2018 जनवरी में, 9 जनवरी की मेरे ख्याल से घटना थी, 9 जनवरी को आए थे, तो ये कह रहे थे कि आज मैं पब्लिक में इसलिए आया हूं कि जो न्यायपालिका में एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो फिर आपने कौन सा प्रॉपर काम किया? ठीक है, बहुत सारे सवाल है संजय जी, दक्षता नहीं है उन चारों फील्ड में, इस पर भी सवाल है, फिर क्यों उन्हें मनोनीत किया गया? और दूसरी बात यह कि बहुत सारे, चाहे आलोक साहब का हो, चाहे फिर वो राफेल का केस हो, जहां पीआर पटीशन दिया गया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, किस तरह रिएक्शन रहा, तो वो जो सारे केसेस थे, जो देश के लिए बड़े केसेस थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या रहा, और दक्षता को लेकर भी सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं विपक्ष की तरफ से। संजय जी, देखिए श्रुति जी, हमारे जो प्रसपा के प्रवक्ता हैं, काफी विस्तार से बातें उन्होंने रखी हैं और कहां कहां से लिंक किया कि साहब दक्षता नहीं थी। तो सवाल अब आपसे पूछे या कांग्रेस से पूछे, हम तीन हम आपको दृष्टांत देंगे। एक फजल अली 1952 में जज थे, रिटायर हुए, उनको तुरंत गवर्नर बनाया गया 1952 में। और सबसे मजेदार बात यह कि 30 जून 1952 को उनका रिटायरमेंट होना था, लेकिन 7 जून 1952 को उनको गवर्नर का पत्र नियुक्ति का दे दिया गया था, पहला, क्योंकि नेहरू जी पीएम थे। दूसरा एक बहरुल इस्लाम हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में जज, वो 1962 से लेकर 1972 तक दो टर्म राज्यसभा मेंबर रहे। अब सवाल यह उठता है कि इस देश के अंदर तो चलता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो उन इंडिया इंदिरा वाली ने, मैडम ने उनको बुलाया इस्तीफा देके दूसरे टर्म में, और उनको हाईकोर्ट का जज बना दिया। उसके बाद वो गुवाहाटी और नागालैंड, उस समय हाईकोर्ट हुआ करता था, उसके चीफ जस्टिस बने। और मजेदार बात सुनिए कि उनका टर्म पूरा हो गया, घर बैठ गए जाके, लेकिन 1983 में बुला के मैडम इंदिरा जी ने, उसके बाद कांग्रेस वालों ने फिर उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रिटायरमेंट के बाद फिर बुला के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। कपिल सिब्बल कह रहे हैं, कपिल सिब्बल यही तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि जो गलती हमने की वही गलती नहीं 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 नहीं, देखिए इस गलती के पीछे कहानी क्या है। देखिए अभी हम आने दीजिए, हमें भी बात रखने दीजिए। उसके बाद जब वो होते हैं, उसके फिर उनको इस्तीफा दिलवाया जाता है, और 1984 में आसाम से बारपेटा लोकसभा सीट से उनको चुनाव लड़वाया जाता है टिकट देके। सुनिए, हमें भी श्रुति जी समय दीजिएगा कि लोकतंत्र में हमें भी बोलने का अधिकार है, विपक्ष तो बोल हमलावर है ही है, लेकिन हमें भी जवाब देने का अधिकार है। लेकिन आसाम में चुनाव नहीं होते हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो बहरुल इस्लाम में कौन सी योग्यता थी ऐसी, इसका जवाब हमारे गौतम राणे जी दे। फजल अली में क्या थी, रंगनाथ मिश्रा को 91 वो चीफ जस्टिस थे, 98 में उनको सुप्रीम कोर्ट का क्या कहते हैं राज्यसभा कांग्रेस के टिकट पर बनाया गया। और ये रंगनाथ मिश्रा जी वही थे जिन्होंने राजीव गांधी और कांग्रेस को 1884 के सिख दंगों में क्लीन चिट दी थी। तो राणे जी बताएं कि रंगनाथ मिश्रा जी में कौन सी योग्यता थी। देखिए योग्यता का सवाल नहीं उठ रहा है, यह है मंतव्य इन लोगों का। ये जो इधर उधर दाएं बाएं पैतरेबाजी करते हैं, गिरगिट की तरह से रंग बदलते हैं, दिक्कत इनके पेट में दर्द ये है कि जस्टिस रंजन गोगोई ने अयोध्या मुद्दे पे वर्डिक्ट दिया है, और ये वही मुस्लिम मुसलमान हिंदू करने की राजनीति जो इन लोगों की है, वो पेट में दर्द है, उसके बहाने ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति, इनके जो एजेंडा है उसके कारण से इनके पेट में दर्द हो रहा है कि आखिरकार उस व्यक्ति को, और इनको ये शर्म आनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, 5 जजों ने एनोनिमस जजमेंट दिया है, उसमें एक मुसलमान जज भी थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। मेन पेट में दर्द इनके ये है कि अयोध्या वर्डिक्ट देने वाले, ये तो बात कर रहे डील की,
कांग्रेस डील कुछ और कह रही है, तो डील तो ये लोग करते चले आए हैं। देखिए राणे साहब तो अभी एक बहुत नेसेंट पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, बात बहुत लार्जर रिस्पेक्ट में हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है। मेन हम कांग्रेस को जवाब देंगे क्योंकि उनका प्रवक्ता आता नहीं आपके चैनल पे, उनसे ही मेन बात करने वाली है। तो ये जो देश के अंदर एक चल रहा है किसी ना किसी बहाने, अगर कहीं हिंदू मुस्लिम का सवाल बने चाहे रंजन गोगोई को खड़ा कर दो, तो बहरुल इस्लाम फजल अली इनको आपने क्यों भेज दिया, रंगनाथ मिश्रा जी को क्यों भेज दिया? दिक्कत क्या है श्रुति जी, इस देश के अंदर जो इन लोगों की बादशाहत थी वो छिन गई है, और इनको ये उम्मीद नहीं थी कि इनकी बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी और कहीं के नहीं रह जाएंगे। अब ये देश के अंदर ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में बिल्कुल आमादा है, इनको शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्रपति को जो 12 हमारे वकील साहब बैठे हैं वो ज्यादा बताएंगे, धाराएं जिस कॉन्स्टिट्यूशन की धारा में है 12 राज्यसभा मेंबर नॉमिनेट करने का अधिकार है, तो उसमें कांग्रेस ऐसा बहुत लंबा इतिहास है, कांग्रेस ने किन किन लोगों को अपॉइंट किया है, और कपिल सिब्बल कहते हैं हम ये अच्छा एक तरीका हो गया इस देश में, हमने गलती की आप गलती कर रहे हैं। देखिए उस व्यक्ति की योग्यता देखिए, जस्टिस गोगोई कितने विद्वान व्यक्ति है, एक तरफ कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है जो बात नहीं कर सकता, जवाब नहीं दे सकता है, एक मस्खरे के रूप में पॉलिटिशियन है इस देश के अंदर, जोकर पॉलिटिशियन है उसके, उनके अगर एक राज्यसभा में एक अच्छा व्यक्ति जा रहा है विद्वान व्यक्ति, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छे एक अच्छा उदाहरण पेश होना चाहिए, ये इनको कांग्रेस को नहीं पसंद है, ये एनआरकी क्रिएट करना चाहते हैं इस देश के अंदर। ठीक है अतुल जी, बादशाहत की बात आई है कि कौन अपनी बादशाहत को कितना आजमाना चाहता है या कितना रखना चाहता है। कांग्रेस का पीरियड खत्म हो गया, लेकिन पिछले 6 साल से केंद्र सरकार क्या कर रही है, और सवाल यहां पर इसलिए भी खड़ा हो रहा है शपथ पर कि वही गोगोई साहब जब कार्यकाल में रहते हैं तो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। किस आधार पर उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, और क्या अब लोकतंत्र में खतरा नहीं है? वही सरकार के साथ वो जुड़ने के लिए क्यों तत्पर हैं? देखिए श्रुति जी, 5 जज बैठे हुए थे जब लोकतंत्र खतरे में था, इनके साथ में मिला के 5 लोग थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें बाकायदा बैठ के, पहले नंबर पर ये। दूसरे नंबर मैं कुछ नेताओं के नाम लेना चाहता हूँ, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, तुलसीदास जी का आपने नाम लिया, ओवैसी जी का नाम लिया, केटीएस तुलसी, और इन लोगों को देखिए श्रुति जी, है क्या इनकी बात का धीमे धीमे इम्पैक्ट खत्म होता चला जा रहा है। जैसे अभी हमें बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी हंसी के पात्र है, क्या कारण है कि कुछ वार्ताएं ऐसी होती हैं जिन वार्ताओं की वजह से लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं, उनमें से ये भी शामिल होते चले जा रहे हैं। और एमपी में अगर आप ले ले तो दिग्विजय सिंह को उसी श्रेणी में आप रख सकते हैं। ठीक, उसके बाद में देखिए धारा 18A की बात की हमारे राणे साहब ने कि उसके अंतर्गत कोई खिलाड़ी हो या कोई कलाकार हो उसको नामित किया जाता है, 12 लोगों को नामित किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या यहाँ की न्यायपालिका का कोई रोल नहीं होता है? न्यायपालिका आप अभी आपने खुद ही कहा कि एक स्तंभ है न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये स्तंभ है यहाँ के, और हम लोग इस लोकतंत्र में न्यायपालिका पर बहुत विश्वास करते हैं, उसी विश्वास को लेकर इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। इसमें देखिए श्रुति जी, है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को कहने के पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे द्वारा ऐसी गलती की गई, क्यों गलती की गई, आपने क्या रंगनाथ मिश्रा को नहीं बनाया कि फैजुल इस्लाम फैजुल जी को नहीं बनाया कि इस्लाम साहब को नहीं बनाया, आपने सबको बनाया। इन्होंने खुद बताया संजय जी ने कि ऐसा ऐसा स्थिति हुई। ठीक है, एक चीज और है अतुल जी कि अगर कांग्रेस ने बनाया, रंगनाथ मिश्रा को बनाया, फैजुल को बनाया, भराल को बनाया, ये बात तो ठीक है, एक साइड पर रख देते हैं क्योंकि टाइम पीरियड हो गया। अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, बहुत ज्यादा नहीं, मोदी जी का जब कार्यकाल शुरू हुआ तभी मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि कोलेजियम की बात कही थी जहां पर यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सरकार को एक साथ काम करना चाहिए, तब न्यायपालिका ने कहा था कि स्वतंत्रता पर प्रहार होगा। जब मोदी जी ने ये चाहा था कि जजों की नियुक्ति जो है वो ऐसे रूप में होना चाहिए जहां तालमेल की स्थिति तालमेल की स्थिति जो है वो बनी रहे, बरकरार रहे, तब वहां पर कहा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केटी शाह जो कि इकोनॉमिस्ट भी थे और एडवोकेट भी थे, उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया था कि सरकार के साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में नहीं जुड़ना चाहिए किसी भी जज को।
ये बड़े बड़े लोगों ने किया था और ये उस समय मौजूद थे। तो जब ये स्टेटमेंट गोगोई साहब के द्वारा आए थे तो ऐसा क्या हो गया कि आफ्टर रिटायरमेंट, जिसने बोला था कि आफ्टर रिटायरमेंट नो जॉब अपॉइंटमेंट, तो आफ्टर रिटायरमेंट व्हाई जॉब अपॉइंटमेंट, दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली। श्रुति जी, मैं इस पे दो चीजें बोलूंगा। पहले नंबर पर मैं लेके आता हूं कि यही कांग्रेस थी, आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप करती थी तो इसी कांग्रेस ने कहा था, जब सत्ता में थी तो उसने कहा था कि न्यायपालिका को अपना काम करना चाहिए और संसद को अपना काम करना चाहिए, उसमें इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ। ये भी शब्द कहा गया था श्रुति जी, अगर आपको याद हो। ठीक, दूसरी बात आप लेकर चलिए इनके लिए, जो गोगोई जी हैं, कोई भी व्यक्ति है श्रुति जी, उसको अपनी कार्य क्षमता का आकलन इतना ज्यादा नहीं होता जितना सामने वाला उस चीज को परख सकता है। और उसी परख के तहत मैं यहां पर बैठ के चैनल में कहना चाहता हूं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन के नाते कहना चाहता हूं कि गोगोई जी के अंदर कुछ ना कुछ देखा गया होगा और उनके अंदर वो प्लस पॉइंट देखे गए होंगे। उसके बाद में इनको राज्यसभा भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर नॉमिनेट किया है तो कुछ सोच के किया है। पूरा पैनल बैठता है, जैसा कि बताया राणे साहब ने कि कैबिनेट बैठती है, कैबिनेट ये डिसीजन लेती है, तो कैबिनेट ने अगर ये डिसीजन लिया है गोगोई जी का, तो आपको ये भी याद होगा कि परसों गोगोई जी ने एक बात और भी कही थी श्रुति जी कि मुझे शपथ ले लेने दीजिए, मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठा हूं। तो आज ही उन्होंने शपथ ली है, अगर हम थोड़ा सा इंतजार कर ले, जितने प्रश्न है कपिल सिब्बल के हों, मनु सिंघवी के हों, चाहे तुलसीदास जी के हों और चाहे आपके ओवैसी जी के हों, सारे उत्तर उनको मिलेंगे। ठीक है, अब मैं सुतेन जी के पास आना चाहूंगी। बहुत ज्यादा अगर लंबी फेरिस की बात कर ले तो चीफ जस्टिस रह चुके हैं चंद्रचूड साहब भी, सतेन जी, पीएल भगवती साहब भी थे और उनका साफ कहना था कि कुछ जज ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद से सरकार से लाभ लेना चाहते हैं। और मैंने अभी जैसे नाम बताया, चाहे वो के टी स्ट्राल जी हो जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि एग्जीक्यूटिव ऑफिस में नहीं जुड़ना चाहिए किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकतंत्र जो है इससे खतरे में आ जाता है, तो फिर आज वाकई क्या पूर्व सीजीआई और अगर राज्यसभा के लिए मनोनीत होते हैं, सांसद बनते हैं शपथ ग्रहण के बाद, तो वाकई क्या निष्पक्षता स्वतंत्रता पर प्रहार होता है? देखिए श्रुति जी, पहले तो ये जानिए आर्टिकल 80 जो है क्लास 3 में प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर है। अभी हमारे कुछ लोग साथी कहे कि खिलाड़ी और कलाकार सब, उसमें जुरिस्ट को भी कर सकता है। आप एक बात और जानिएगा, उसमें है कि न्याय क्षेत्र में विद्वता रखता हो। हाँ। आप एक और आपके लिए बता दूं, यहां सब लोग बैठे हैं, कि जो इनकी नियुक्ति हुई है रंजन गोगोई जी की, वो जुरिस्ट के टी एस तुलसी की जगह पे हुई है, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। पहली बात तो ये बिल्कुल कि नहीं हो सकती, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर है आर्टिकल 80 क्लास 3 के तहत कि वो किसी भी, जैसे बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, कलाकार हो, जुरिस्ट हो, न्यायविद हो, उसकी कर सकता है, इस पे नहीं। जहां तक प्रश्न रंजन गोगोई के होने का है, देखिए लोकतंत्र वहीं पे सुरक्षित है जहां पे न्यायपालिका सर्वोच्च है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी है। इस बात से रंजन गोगोई का इस समय होना, मतलब जिस समय इनको बनाया गया है मेंबर, लैंडमार्क उनके जजमेंट का आना और तुरंत होना, ये जो कहीं ना कहीं जो नेक्सस है पॉलिटिशियन और जुडिशियरी का, ये कहीं आम जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठ जाएगा। कौन क्या कहा, कौन दल क्या किया, इस पे मैं नहीं जाता। बिल्कुल, बहरुल इस्लाम बने, फैजल अली बने, रंगनाथ मिश्रा बने, किन परिस्थिति क्या बने, ये तो एक फेजिस्ट है। लेकिन अभी आपने पीएन भगवती जी का नाम लिया, जो पीआईएल की शुरुआत उन्हीं से हुई। हाँ। आज जो जनहित याचिका होती है उन्हीं की हुई, वेंकट चलैया जी थे जिन्होंने ये सिफारिश की थी कि अंकल प्रैक्टिस बंद करो, जजों का, जो जज अगर यूपी में हाई कोर्ट का होता है उसका अन स्टेट में ट्रांसफर हो, इसलिए कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पारदर्शिता ये बरकरार रहे। कहीं ना कहीं ये हो कि जज के कोर्ट में उनका लड़का उनको प्रभावित कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए वो सब सिफारिशें थी। आज भी हमारा व्यक्तिगत रूप से मत है कि जो न्यायपालिका एक टॉप टू बटन, एक नीचे इक्वलिटी बिफोर लॉ है कि एक आदमी कोई भी घटना होती है, चाहे अभी चीफ सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी कोई कार्रवाई करते हैं, एक फोर्थ ग्रुप का एम्प्लॉय तुरंत कोर्ट में आता है,
कि हमको न्याय मिलेगा। बिल्कुल, क्यों? सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी है। बिल्कुल, आपको याद होगा जब टीएस ठाकुर दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने अपने भाषणों के दरमियान कई मतलब उसमें सेमिनार में गए, अपनी व्यथा को कहा था कि हम अगर सिफारिश करते हैं कोलिजियम से जजों के नाम की तो टाइम लगता है, सरकार नहीं करती है, जो भी बातें थी अपना जो कुछ कहे उसमें मैंने। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहीं यह मालूम होता है कि न्यायपालिका, आम जनता अगर सवाल खड़ा कर दे, हाँ, हाँ, और समय पे सवाल खड़ा कर दे, तो एक प्रश्न का विषय है, विचारणीय विषय है कि इस तरह का, क्यों कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एकदम निष्पक्षता होना चाहिए, और हमारे यहां डेमोक्रेसी तभी सुरक्षित है जब न्यायपालिका स्वतंत्र है। हाँ, तो इसलिए ये जो हुआ है, जिस समय पे हुआ है, जिस तरह की हो रही है, उनकी न विद्वता पे हमें संदेह है, न कि वो प्रेसिडेंट कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं, कि ये वो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 80 क्लास जो है 3 के तहत है। हाँ, लेकिन जैसे कि अभी, हाँ, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड, और कैबिनेट डिसीजन लेती है। नहीं नहीं, मेरी बात, मेरी एक बात सुनिए, आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, जो भी मतलब उसमें, मैं कह रहा हूं कि जुरिस्ट, तो इनकी विद्वता पे ये नहीं, मैं इसलिए कहना चाहता कि खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा हो, उसको मनोन, कलाकार बहुत बड़ा हो, आर्टिस्ट मतलब किसी भी क्षेत्र में, जैसे साहित्यकार बड़ा हो, तो ये कहना कि जुरिस्ट की नहीं हो सकती, जुरिस्ट की होगी, इसमें कोई नहीं। एक जो ये प्रश्न उठा है, हाँ, और जो लोग उठा रहे हैं, इसमें हम न जाते हुए कि कहीं ना कहीं अगर इस बात का फिलॉसफी का सिद्धांत है कि अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग है, लेकिन है, हाँ, इनकी विद्वता और उसमें जिस क्षेत्र में किया गया उसमें हमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, हाँ, ठीक है। एक बात जरूर आती है कि न्यायपालिका और विधायिका को एक साथ राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना चाहिए, क्या ये सफल हो पाया, और नहीं हो पाया तो क्यों नहीं सफल हो पाया? इस क्वेश्चन का रिएक्शन लेंगे, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहे इंडिया वॉच।